शिवांगी, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा शादी वाला जो फीवर है वो भी चल रहा है। सो आई थॉट क्यों ना मैं अपनी वेडिंग में अपना खुद का कुछ कस्टमाइज चीज पहनूं। मेरा प्लान है क्यों ना मैं अपने फुटवेयर जो मैं अपनी शादी में पहनूंगी, मैं उनको खुद ही अपने हाथों से कस्टमाइज करूं। तो इसीलिए मैंने पूमा के अपने लिए न्यू शूज लिए व्हाइट कलर के, एंड आज मैं उन्हीं को कस्टमाइज करने वाली। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक तो इन शूज में ऑलरेडी इतनी ज्यादा अमेजिंग डिटेल्स एड हो रखी है, पता नहीं मैं इसमें पेंट करने के बाद इसमें और क्या क्या कर पाऊंगी। प्रिटी है ना? हालांकि मैंने कुछ प्लान नहीं किया हुआ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बट मुझे ये पता है कि मुझे कुछ ब्लिंगी चाहिए। आप लोगों को तो पता है वेडिंग में हर कोई ब्लिंगी चीजें पहनता है, भड़कीली चटकीली चीजें पहनता है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल, क्योंकि यू गाइस नो इट, मुझे कलरफुल चीजें, चटकीली चीजें, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें कितनी ज्यादा पसंद है। तो बस इसीलिए मैं मार्केट गई एंड फटाक से इन शूज को ले आई। हालांकि मैंने मार्केट में ऑलरेडी ऐसे एग्जिस्टिंग जूतों को देखा था, बट मुझे वो इतने मजेदार नहीं लगे, मुझे बहुत ही ज्यादा चटक लगे। बॉर्डर लेसेस वगैरह लगा के ओवरडू हो जाता है, बट मैं चाहती हूँ कि मैंने अगर इतने महंगे शूज खरीदे हैं तो मैं उन्हें बार बार जिंदगी में 100 बार तो पहनूं। तो बस काफी बड़बड़ मैंने ऑलरेडी कर ली है, अब फटाक से काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक्रेलिक कलर को अनबॉक्स करूंगी एंड फटाफट इसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे ना मैं अपने इन शूज को बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं बनाने वाली, क्योंकि मेरे लहंगे का कलर है रेड एंड गोल्डन। सो आई वुड वांट कि मैं गोल्डन कलर की डिटेल्स ऐड कर पाऊँ, जिससे कि इन फ्यूचर मुझे कभी भी कोई भी ब्लिंगी इवेंट अटेंड करना होगा तो मैं इन शूज को तब भी यूज कर पाऊंगी। कितनी स्मार्ट हूं मैं। अब देखो यार, अपनी स्मार्टनेस को साइड में रख के मुझे इसे बहुत पेशेंटली कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है। थोड़ा सा ही पेंट अगर नीचे वाली लेयर पे लग गया ना तो मैं उसको ठीक नहीं कर पाऊंगी और वो बहुत अगली लगेगा। सो इसमें फिनिशिंग की हद से ज्यादा जरूरत है। आप खुद ही देख लो। आई एम नॉट रियली श्योर कैमरे में इतने अच्छे से लगेगा कि नहीं, बट जब मैं इसे सामने से कर रही हूँ भाई, मतलब टेंशन हो रही है मुझे ऑन अ लिटिल साइड। आई एम फीलिंग अ बिट नर्वस एज वेल, मेबी बिकॉज मुझे अपने डी डे पे पहनना है, इसीलिए आई एम इवन मोर कॉन्शियस। बट आई जस्ट होप ये एंड प्रोडक्ट अच्छा निकले, नहीं तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अब देखो यार, मैंने पेंट तो कर दिया है, आई डोंट थिंक सो मैं इससे ज्यादा और गोल्डन पेंट करने वाली हूँ, क्योंकि आई एम डन विद दिस एंड मुझे अब लिटरली डर लग रहा है कहीं मैं इसे खराब ना कर दूं। अब राइनस्टोन की दुनिया में आपका स्वागत है। चमकीली। अब मैं ढेर सारे राइनस्टोन्स को चिपकाने वाली हूँ अपने फुटवेयर में। ऑफ कोर्स मेरा अभी भी कोई लिटरल सेंस में प्लान नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, प्रिटेंड कर रही हूँ वीडियो में, बट जेन्युइनली आई हैव जीरो आइडिया मैं क्या करने वाली हूँ आज की वीडियो में। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड दिस इज सो फनी। मेरा शादी का फुटवेयर है ये एंड मेरा कोई प्लान नहीं है, बट आई थिंक कभी कभी ना बिना प्लान की भी जो चीजें बनती है वो बहुत ज्यादा सही बन जाती है गलती से। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ होता है कि नहीं ये भी कमेंट करके बता दो। मतलब मैं कुछ ज्यादा ही आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोल रही हूँ, दैट इज बिकॉज आई रियली वांट कि आप लोग कमेंट करो यार। आप लोग को ये देखने में काफी ज्यादा मजेदार लग रहा होगा, बट जेन्युइनली बता रही हूँ यार, मेरा पसीना छूट रहा है, इतना पेशेंस का काम है। दैट टू एक एक चीज को, एक एक मोती को मुझे चिपकाना है। भाई साहब, मेरे पेशेंस का टेस्ट यहाँ पे हो रहा है। बट बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर। हाँ भाई हाँ। तो मुझे लगता है आज हम इसको कर ही लेंगे, बिकॉज एनीवे मेरे पास टाइम नहीं है, परसों मैं जा रही हूँ जयपुर एंड मैंने इतनी सारी चीजें प्लान कर रखी थी कि मैं ये कस्टमाइज करूंगी, ये DIY करूंगी, बट अल्टीमेटली कुछ हो ही नहीं पाया बिकॉज टाइम इतना कम था एंड टाइम जितना भी बचा था ना वो इतनी जल्दी जल्दी बीता कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जो जो मेरे प्लान थे वो पूरे इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाए, बट ठीक है यार, जो भी टाइम है उसको मैं प्रॉपरली यूटिलाइज करूंगी एंड एटलीस्ट इस शो को तो कम्प्लीट करके जाऊंगी ही, क्योंकि ये मेरे वेडिंग डे वाला शो है, सो आई कांट मिस दिस। अबे यार, मैं इतनी देर से फालतू बकती चली जा रही हूँ, बट मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैंने आपको मेजर इंपॉर्टेंट चीजें तो बताई नहीं कि ये E6000 ग्लू लिटरली चमत्कारी ग्लू है। ये मैजिकल है ऑन अ लिटरल सेंस। अगर आपको लाइफ में कुछ भी चिपकाना हो, चाहे वो पेपर हो, प्लास्टिक हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, इससे बहुत अच्छे से, इवन रबर भी बहुत अच्छे से चिपकता है। एंड इफ यू गाइस डोंट बिलीव मी, मैं तो यही बोलूंगी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सो यस, अगर आप लाइफ में कुछ भी चिपकाना चाहते हो, क्राफ्ट रिलेटेड काम करना चाहते हो, तो इस ग्लू को अभी के अभी अमेज़न से आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, आई विश होती, बट यार दिस इज व्हाट इट इज।
देखा जाए तो अभी ये थोड़ा कंप्लीटेड लग रहा है, बट ऑफ कोर्स यार यू गाइस नो मी, मैं थोड़ी और डिटेल्स ऐड करूंगी यहाँ पे। मैं बीच में सोच रही थी क्यों ना मैं अपना और कनिष्क का लोगो भी ऐड करूं, बट यार पैरों पे लोगो इट डज नॉट मेक सेंस राइट, एंड थोड़ी डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग होगी, तो इसीलिए मैं लोगो ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ब्लिंगी ब्लिंगी चीजें ही ऐड कर रही हूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट माई शूज टू शाइन आउट इन द इवेंट, एंड ऑफ कोर्स मैं इसी को ही चिपकाती चली जाऊंगी। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे इसको बनाने में कितने घंटे लग गए, तो मुझे आराम से 6 से 7 घंटे यार इसको करते हुए लग गए, एंड मैं बता नहीं सकती कि कितना ज्यादा टायरिंग प्रोसेस था। आई विश कोई मेरी हेल्प करने के लिए होता, बट कोई नहीं था घर पे मेरी हेल्प करने के लिए, सब लोग इतने ज्यादा बिजी है प्रिपरेशंस के साथ, शॉपिंग के साथ, कि इट वाज इम्पॉसिबल। एनीवे मुझे तो लग रहा था बीच में कि शायद मैं इसे कंप्लीट ही ना कर पाऊं, बिकॉज लिटरली मेरे आउटफिट्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट क्या कर सकते हैं, जो मैंने वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट इट इज। अगर आपको अभी तक का प्रोसेस मेरा अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, एंड इन केस इफ यू गाइस आर वंडरिंग कि ये सारी चीजें राइनस्टोन्स वगैरह मैं कितने की और कब कहां से लेकर आई हूं, तो राइनस्टोन्स एंड ऑल मैं लेकर आई थी चांदनी चौक से। मुझे एक पैकेट पड़ा 150 रुपीज का गाइस, 150 रुपीज के पैकेट में इतने ढेर सारे राइनस्टोन्स हैं। मैंने ये गोल्डन कलर का भी लिया, सिल्वर कलर का भी लिया, एंड अलग अलग शेप्स का भी लिया, जस्ट इन केस जिंदगी में मुझे काम आए तो आई वुड बी एबल टू यूज इट। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि आप ट्राई जरूर करना। ऑफ कोर्स देयर वर सम ऑप्शंस मार्केट में, ऑनलाइन रेडीमेड मुझे इस तरीके के शूज मिल रहे थे, बट वो मुझे बहुत ज्यादा टैकी लग रहे थे, क्योंकि उनमें बड़े बड़े लेसेस, बॉर्डर, वो सारी चीजें लगी हुई थी एज आई सेड, एंड मुझे थोड़ा उस टैकीनेस में नहीं जाना था, मुझे थोड़ा सिंपल मॉडर्न येट ब्लिंगी उसमें जाना था। आई थिंक मैं इसे पार्टी में भी पहन सकती हूँ किसी वेस्टर्न वेयर के साथ, एंड आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। एक दो राइनस्टोन्स का काम अभी भी रहता है, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरी लाइफ की ये पहली ऐसे प्रॉपर क्राफ्ट वीडियो है, क्योंकि आप लोग को पता है मैं ज्यादा पेंटिंग वेंटिंग करती हूँ, मैं क्राफ्ट वगैरह में इतनी ज्यादा आगे नहीं हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड इसी के साथ साथ we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Okay guys, this was it for today's video. Do let me know in the comment section below आपको आज की video कैसी लगी, and अगर आपको मेरी life से related, wedding से related और भी updates देखनी है, तो मेरे दूसरे channel which is शिवांगी सा अनकट पे अभी जाके subscribe कर लो, and मुझे Instagram पे follow करना मत भूलना। I'm updating each and everything over there, and मुझे बस बहुत सारी ढेर सारी good wishes भी डाल दो comment section में, because I really need them. मैं मिलती हूँ आपसे next week, as I said मैं अब regular होने वाली, तो देखो यार regular हो रही हूँ मैं। Now the morning is the afternoon.